नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसीसी कर से। आप दोस्तों इस समय जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता एग्जाम जो 27 फरवरी को आज आपने 12 से 2 के बीच राजस्थान के 270 परीक्षा केंद्रों पे दी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और आप अब उस पेपर का देख रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन सीएलसीसी के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। क्यों, सही कह रहा हूं? बोलो, पेपर कैसा रहा? मजा आया? देखो, ओमआर सीट मिली है ना, एक इतना सुंदर सा पेपर आपके पास आया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपने पहली बार दी। एक बात ध्यान चाहूं बच्चों, गार्जियंस आप भी इसको देख रहे हैं, सुने, ये एग्जाम केवल स्कॉलरशिप का मकसद नहीं होता हमारा। इस एग्जाम का मकसद केवल स्कॉलरशिप नहीं है, केवल एडमिशन नहीं है। इस एग्जाम का मकसद है कि 5वीं, 6वीं, 7वीं में ही बच्चे को बता दिया जाए कि ओमआर सीट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्या होती है, कि साहब नीट और जेई या कोई भी एग्जाम देना, कॉम्पिटिटिव करीब करीब एग्जाम्स आजकल कहाँ होती है, ओमआर पे होती हैं। तो आप सोचो कि एक 5वीं क्लास का बेटा बेटी आज ओमआर को भर रहा है, हो सकता है उसे गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है एग्जाम को ढंग से नहीं दे पाया होगा, फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया अपने अच्छे भविष्य की तरफ। तो ये वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, हर क्लास का अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन है। पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखें, आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि हमने सॉल्यूशन गलत दे दिया या कि गलत है, तो प्लीज आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के मेरे इस नंबर पे 9928738888 व्हाट्सएप कर दें। आप लोग बोलो हाँ या ना, और 27 तारीख की रात को 9 बजे इस पेपर की आंसर शीट भी आपके पास आ जाएगी। इस पेपर की आंसर शीट भी आज 27 फरवरी को ही रात को 9 बजे हमारी साइट पे, साइट कौन सी, dtac.clcparivar.in, यानी इस एग्जाम की जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहीं रहेगी। अब फिर से एक बार स्लाइड देख लें, dtac.clcparivar.in। ओके, एग्जाम हो गई, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, डाउट खत्म हो गए, आंसर मिला लिए, नंबर जोड़ लिए। ओके डियर, रिजल्ट कब आएगा? ध्यान, आपको रिजल्ट आएगा 3 मार्च को शाम को 5 बजे। हाँ, वो इस साइट पे जाओ, देखो आप साइट पे जाओगे, ये रिजल्ट की साइट खुलेगी 3 तारीख को 5 बजे। देखो ये रहा, अपना रोल नंबर फीड करो, अपना मोबाइल नंबर फीड करो। अब पुरस्कार कब दिए जाएंगे, लो लिस्ट पड़ी। वैसे आपको पता है, आपके पेपर के लास्ट पेज पे देखा होगा ना, ये किस जिले में हम लोग कब आ रहे हैं, बाकी स्लाइड भी देख लो आप हमारी साइड पे। हाँ, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, राजसमंद की डेट्स हम होली के बाद देंगे, क्योंकि आपको पता 5 मार्च से लेके 16 मार्च तक लगातार मैं फंक्शन कर रहा हूँ। हाँ, मैं खुद आ रहा हूँ सर, बिल्कुल 29 के 29 जिले में खुद कवर करने आऊंगा। नो डाउट लोड रहेगा, भागदौड़ रहेगी, लेकिन दोस्तों झोंपड़ी में बैठी खोपड़ियों को आगे बढ़ाना, प्रतिभाओं को तलाश कर आगे लेके जाना, मेरे जैसे बहुत से और भी श्रवण गांव में बैठे होंगे, मेरे जैसे बहुत से श्रवण को श्रवण सीएलसी तक के मुकाम पे पहुंचाने का अभियान आखिरी सांस तक रहेगा मेरा। सीएलसी बाई चांस नहीं है साहब। आज के 26 साल पहले जब सीकर में मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, माफी चाहता हूँ, गलत शब्द काम ले रहा हूँ, अपने आप में कैरियर का सुसाइड केस था ये। आज तो लोग नकल करते हैं यहाँ, आज तो चलते हुए बाजार में कोई भी अपने ठेला लगा लेता है, लेकिन हमने सीकर की जमीन पे एक बीज बोया, उस बीज की खुशबू है कि आज हजारों हजारों बेटा बेटी हर साल सीएलसी के माध्यम से मेडिकल में जाता, आईटी में जाता, एनआईटी में जाता है। सीएलसी ना किसी की होड़ में बनी, ना किसी को तोड़ के बनी, सीएलसी मूल बीज है, एक विचार बीज है जो जमीन फोड़ के बनी। और इसीलिए दोस्तों आज 270 गार्जियंस, आप सोच के देखो, राजस्थान के 29 जिले 270 सेंटर पे एक टाइम एग्जाम पेपर की क्वालिटी आपके सामने है, अल्टीमेट पेपर, उसका रिजल्ट कब आएगा, आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, आप की देख रहे हैं, उसके बाद फंक्शन, और हर जिले पर आकर। ऐसा नहीं कि एग्जाम काली फिर मैं आओ सीकर आ जाओ हमारे पुरस्कार लेने, क्यों भाई सीकर क्यों आओ, सीकर तो बाद की बात है, आपके जिले पर आकर आपका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। डेट और टाइम आप जरूर प्लीज वॉच कर ले। हाँ, पुरस्कार वितरण समारोह में सभी मेरे अपने सादर आमंत्रित हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम दी है उनको तो आना ही आना है, अन्य बच्चे भी, मोटिवेशनल सेमिनार भी होगा हमारा वहां, उसको सुनना भी आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। वैसे इस कोरोना के टाइम में मेरे शाम के लाइव सेशन से बहुत से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे अपने जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान है ना, मैं डेली शाम को 6:30 बजे सीएलसीसी कर फेसबुक पेज, सीएलसीसी कर यूट्यूब चैनल और श्रवण सीएलसी मेरे जो पेज है उन सब पे 6:30 लाइव आता हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज लेटेस्ट वीडियो से पहले ही हमारे भरतपुर के दो बहुत ही गांव के सिंपल से किसान भाई आए, उन्होंने कहा चौधरी साहब हम आपका लाइव देखते तो सिर्फ मेरे आंखों पानी आ गया। उस दिन पता लगा कि दोस्तों हकीकत ये है, भगवान कृष्ण की बात आज बहुत अच्छी लगी कि यदि कर्म को मन से किया जाए तो
तो फल की इच्छा करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, फल भगवान अपने आप देता है जो दे रहा सीएलसी को। ओके, वापस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है डियर, तो एग्जाम होगी, वीडियो सोल्यूशन देख लिया कि आ गई, 5 मार्च से 16 मार्च तक आपको फंक्शन में आना है। हाँ भाई, फंक्शन में आने के लिए, पुरस्कार के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र की कॉपी साथ लानी होगी। और एक बात निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप फंक्शन में नहीं आ पाए तो फिर पुरस्कार देने के लिए संस्था की व्यवसायिक जिम्मेदारी नहीं है, फ्रेंडली जिम्मेदारी फिर भी हमारी है। हाँ, सीकर कभी आओगे तो दे दिया जाएगा। आप सोचो कि उदयपुर फंक्शन था, मैं वापस उदयपुर पुरस्कार देने आऊंगा, संभव नहीं हो सकता। हाँ, सीकर आने के बाद आप पुरस्कार बाद में दे सकते हैं। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, फंक्शन जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फंक्शन पे आपको पुरस्कार लेना है तो प्लीज खुद आना पड़ेगा, एडमिट कार्ड साथ लाना होगा, और नगद पुरस्कार के लिए आपको अपना आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। और इसके अलावा मैं इस वीडियो से सब अपनों से अपील करता हूं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जीतना जानते हैं दोस्तों, जो जीना जानते हैं, रो काम सिखाती है सीएलसी, सीएलसी जीतना सिखाती है, जीना सिखाती है, ये सुनना देखना है तो आपका अपना श्रवण आपके खुद के जिले में आ रहा है आपसे बात करने के लिए। हर दिन सुबह शाम दोनों टाइम मीटिंग्स, लोड रहेगा पर फिर भी एक जुनून है, फिर किसी झोंपड़ी में बैठी खोपड़ी को आई टीम भेजना है, फिर किसी एक सामान्य से परिवार के बच्चे को दिल्ली एम्स भेजना है। साहब सपने बड़े हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, सपने बड़े हैं तो जगना ही पड़ेगा ना साहब। कलाम साहब की बात साहब बहुत अच्छी लगती है कि सपने वो नहीं होते सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। और इसी सपनों को पूरा करने के लिए हम जिले जिले, गांव गांव, डगर डगर घूम रहे हैं। क्योंकि माफी चाहता हूं उन लोगों के, तो बहुत रखवाले हैं जिनके घर में अर्थ भी है और गाइडलाइन भी है, श्रवण और सीएलसी तो उनके सारथी हैं, जिनके घर में ये नहीं पता आईटी मेडिकल क्या होती है, अर्थ का भी थोड़ा अभाव है, थोड़ा भाव गाइडलाइन का भी है, वो घबराए नहीं, आपके साथ आपका श्रवण है ना, आपकी सीएलसी है ना। ओके डियर, तो बहुत सारी बातें हैं, फंक्शन में आना है, किस दिन किस जिले में आपका फंक्शन है उस दिन आना है, 1.5 से 2 घंटे आपके साथ रहूंगा, बातें करेंगे। और मेरे सारे अपने, प्लीज प्लीज प्लीज, निवेदन है आपके भाई का, सारे अपने इस विजय उत्सव में, इसको नाम विजय उत्सव पर पुरस्कार वितरण समारोह बोल दो चाहे विजय उत्सव बोल दो, आप सब साधना मंत्री। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर, और आज हम डीटीएससी 2022 जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम है, जिसकी सहायता से हम लोग राजस्थान भर से छोटे छोटे गांव से लेकर के बड़े शहर के उन बच्चों को, या यूं कह सकते हो उन सारे प्रकार के बच्चों को जिनका एक सपना है कि वो डॉक्टर बने, एक सफल आईआईटीएन बने, उन सारे बच्चों को एक अच्छे से प्लेटफॉर्म के तहत, एक अच्छी एग्जाम के तहत हम सीएलसी से जुड़ने का एक अच्छा अवसर देने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं भी हैं। बच्चे अपनी पूरी ट्यूशन फीस जो है उसको कंप्लीटली, एक बार फिर बता दूं आपको, कंप्लीटली पूरी जो आपकी ट्यूशन फीस है उसको बचा सकते हैं अच्छा पेपर स्कोर करके। तो अभी अपना मेन जो मोटो है उस पर हम आते हैं, और पेपर जो आपका था जिसमें 50 क्वेश्चन थे, और इन 50 क्वेश्चन में पूरे फिजिक्स के 12th पार्ट को हमने कवर किया था। तो शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपका था, उसमें था कि हमें इसमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, क्रांति कोण याद करना है। तो क्रिटिकल एंगल तो किसकी प्रॉपर्टी है आप जानते हैं, वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जिसमें आपको मालूम है जब भी कोई प्रकाश किरण एक डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाती है तो अपने पास से वो डेबिट होती है, और अगर ये डेबिट कितना 90 हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी फिनोमेना हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखो आप यहां पर, जैसे रे ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है, तो मैं यहां ओनली स्नेल्स का नियम है उसको फॉलो करता हूं। यहां देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है IC, और ये एंगल आपका है रिफ्लेक्शन का, और इस एंगल को आप देखें तो आप बताइए ये एंगल कितना है, देखो आप 90 डिग्री। तो मैं ओनली स्नेल्स का लू है वो फॉलो कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो ओनली अपन क्या लिखें, μ1 sin I1 = μ2 sin R। तो μ1 कितना आपके पास 5 into sin IC = हम क्या लिखें साहब, μ2 वो कितना है 2.5 into sin R, और sin R कितना है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री,
और साइन आई टी कितना होता है 1। हमें फाइंड करना है इसका क्रिटिकल एंगल, तो आप देखो साइन आई सी इज इक्वल टू हो गया 2.5 अपॉन 5, तो 1 बाई 2। तो अब देखिए इसमें साइन आई सी जो 1/2 है, तो अगर एंगल दिया होता तो आई सी कितना हो गया 30 डिग्री हो जाता, कितना होता 30 डिग्री, पर साइन इनवर्स के रूप में दे रखा है, कोई इशू नहीं साहब। अगर साइन आई सी इक्वल टू 1/2 है तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बढ़ते आगे, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में है कि निम्न से कौन सा नोर गेट है, नोर गेट होता क्या है, और प्लस नोर, और प्लस नोर, तो और प्लस नोर यही आपका लॉजिक गेट है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए साहब, इसमें क्या है कि आपसे पूछा है कि जो सर्किट दे रखा है उस सर्किट के अकॉर्डिंग ये सर्किट कौन से टाइप के लॉजिक गेट को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा तर्क द्वार है। तो आप देखो इसमें हमारे पास 2 स्विच हैं, और स्विच जोड़ कैसे रखे हम लोगों ने, स्विच जोड़ रखे अपने सीरीज, और उसके समांतर में आपने जोड़ रखा है एक बल्ब को, तो ये एक तरह से सीरीज स्विचिंग है, उसके समांतर लगा रखा है अपने किसी सर्किट के साथ बल्ब को, और ये जस्ट किसको शो करता है। इसमें अगर आप देखो तो इसकी ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो, ट्रूथ टेबल बना करके आप इसको चेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो अपने पास ए और बी है, ध्यान करो इसका इनपुट क्या, इसका इनपुट अपन देखें तो इनपुट क्या रहेगा, देखो इनपुट अपने पास है ए और बी, इनपुट ए और बी, आउटपुट इसमें है बल्ब का चमकना अथवा नहीं चमकना, बल्ब ग्लो करेगा तो 1 यूज करेंगे, नहीं करेगा तो 0 कर देंगे। ध्यान करो अगर इसको 0 0, ये 0 1, 1 और 0, 1 और 1, अगर दोनों को अपन क्या कर दें ऑफ रखें तो करंट इसमें फ्लो करेगी तो बल्ब प्रकाशित होगा, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा 1। सेकंड अगर मैं ए को रखूं ऑफ, ए को ऑफ रखा, ए को ऑन किया, तो भी इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट उससे पास हो जाएगा, तो भी कितना हो गया आपका 1। सेकंड थिंग ये 1 0, यानी इसको आपने करा ऑन, ये ऑफ, करंट इसमें से फ्लो नहीं करेगा, करंट उससे फ्लो करेगा, ये हो गया आपका 1। फिर ये 1 1, अगर आप इनको ऑन कर दोगे, इनको ऑन करते क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, करंट अब इससे फ्लो नहीं करेगा, करंट सारी बाईपास फ्लो कर जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये है क्या साहब, 1 1 1 और 0, तो ये कौन से टाइप की लॉजिक गेट की सारणी बनी। तो अगर आप सोचो कि अगर मैं इसको कर दूं ए और बी, ए और बी क्या होता है 0 और 0 0 0 1 1, उसका रिवर्स गलत है, और प्लस नोट तो नहीं है, तो है क्या, एंड प्लस नोट है, एंड प्लस नोट, इसका मतलब ये आपका नैंड गेट है वो बन जाएगा, और एग्जाम में नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है कि यदि एन नोट और एन क्रम से टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू टी समय पे नाभिकों की संख्या है तो लोग एन वर्सेस टी के बीच ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए साहब ग्राफ कैसा इसका बनता है, तो हम जानते हैं कि जो रदरफोर्ड सोडी की जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं n इज इक्वल टू एन नोट और e की पावर माइनस का लेमडा टी। अगर इसको अपन ऐसे कर दें कि दोनों पक्षों का अपन लॉग ले लें बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ये बन गया आपका लॉग e बेस n, जिसको अपन सिंपल लॉग n भी कहते हैं, यानी इसको अपन ऐसे कहते हैं लॉग n, ln n इज इक्वल टू लॉग n नोट, और e की पावर माइनस लेमडा टी का लॉग हो जाएगा माइनस का लेमडा टी। अब ln n नोट की तो कांस्टेंट है, ग्राफ हम बना रहे हैं कि इसमें लॉग n है, लॉग n वर्सेस t, तो लॉग n वर्सेस t ग्राफ बनाते हैं, तो आप सोचो कि y इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है c प्लस mx, तो x अक्ष भी किसको पुट कर रहे हैं अपन टाइम को, तो स्लोप कितना हो गया m इज इक्वल टू माइनस का लेमडा, m इज इक्वल टू माइनस का लेमडा, तो ये स्लोप किसको बता रहा है, अक्षांक d के कांस्टेंट, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि स्मॉल m यहां पे जो कि स्लोप था और क्षय नितांक यानी d के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट में,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप जानते हैं प्रकाश तरंग कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इंद्रधनुष रेनबो बनने का रीजन क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया या निकट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें होता है क्या है, जैसे सिंपल अपन पढ़ते हैं जो आई के डिफेक्ट होते हैं, तो आपने पढ़ा एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो इसको पहचानने का समय तरीका क्या होता है कि जो दोष होता है वही दिखता है, दोष होता है वही दिखता है। इसका मतलब ये रहा कि अगर किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के, किसी महिला के, किसी पुरुष के निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब वो निकट की वस्तुएं तो पास देख पा रहा है पर दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए हुआ कि निकट की वस्तु देखी जा रही है तो दूर की वस्तुएं जो प्रकाश किरणें दूर से हमारे पास आ रही हैं वो क्या करती हैं, हमारी आंख के नेत्र जो लेंस है उसमें इंटर होने के बाद जो आपका रेटिना है उससे ठीक पहले ही वो फोकस हो जाती हैं। अब रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, उनको रेटिना तक पहुंचाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हुए और उनको थोड़ा सा डाइवर्स करते हैं। तो डाइवर्स करने के लिए हमको यूज करना होता है अवतल लेंस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। तो ध्यान कर लें, निकट दोष के लिए आएगा अवतल और जो दूरदृष्टि वाला होता है उसके लिए हम लेते हैं कौन सा काम में, उत्तल लेंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो प्रकाश के अपवर्तन के समय कौन सी राशि अनचेंज रहती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो कि सोर्स पे जो पैदा करने वाला था ना उसी पे डिपेंड करता है। पैदा करने वाले एक बार फ्रीक्वेंसी पैदा कर दी, उत्पन्न कर दी, उसके बाद परिवर्तित नहीं होती है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होता है? तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा बनती है रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उपभोग की इकाई एक यूनिट, एक इकाई का मान क्या होता है? तो पॉइंट क्वेश्चन था ये, द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजप्शन इज, एक यूनिट आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा, इसका मतलब क्या है कि जब एक एएमयू के बराबर द्रव्यमान कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी आती है, ये इस प्रकार का प्रश्न है। तो जैसे आपने पढ़ा आइंस्टीन की एनर्जी मास इक्वेशन के अनुसार E = होता है m into c². तो m हमारे पास कितना है इलेक्ट्रॉन के AMU, यानी 1.66 into कितना 10⁻²⁷ और इसको अपन c² से मल्टीप्लाई करें, c होता है 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर कितना हुआ 9 × 10⁻¹⁶। ये अभी किस में है, जूल में है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस पूरे में, इस पूरे को हम, इस पूरी इक्वेशन को, पूरी वैल्यू को 1.6 × 10⁻¹³ से डिवाइड कर दें तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आएगा 931.5 और ये किस में बदल जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सब गलत ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विशेषता गुणांक का सूत्र क्या होता है? Q1/R√L/C होता है। बाकी सब गलत है। LCR श्रेणी अनुनाद की स्थिति में कौन सा रिलेशन सही है? तो आप जानते हैं उस समय XL = XC होता है और संपूर्ण परिपथ का Z होता है न्यूनतम R के रूप में और उसका शक्ति गुणांक कितना 1। तो दोनों ही आपके सही ऑप्शन है। जो इंडक्शन फर्नेस, जो प्रेरण भट्टी होती है वो ईडी करंट के कॉन्सेप्ट पे, यानी बहुत धारा के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो एसी हमारे पास है V = 50 cos 100πt, तो आपसे पूछा है कि इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, इसका आरएमएस मान कितना है, देन इट्स आरएमएस वैल्यू और फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो आरएमएस किसकी वैल्यू है,
या तो वोल्टेज ही है तो वोल्टेज ही निकालना है, तो शिखर मान कितना है 50, 50 अपॉन रूट दो 50 अपॉन रूट टू, और इसकी फ्रीक्वेंसी 100 पाई टी है, तो इसका ओमेगा हमारे पास कितना है, ओमेगा हमारे पास 100 पाई, तो अपन कैसे लिखें 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है जी। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी देखो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, अपन जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो इससे सॉल्व करेंगे तो इसकी आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर यह है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा हमारे पास है 100 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 100 बटा 2 कितना आया 50 हर्ज, 50 हर्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। किसकी लेमडा कम से कम है, तो लेमडा कम से कम जिसकी एनर्जी ज्यादा है कौन है, गामा रेज, उससे कम किसकी, एक्स रेज की, उस सॉरी सबसे कम लेमडा किसकी, गामा रेज की है, उससे ज्यादा किसकी, एक्स रेज की, उससे ज्यादा फिर किसकी आएगी, रेडियो की, फिर आपकी हो जाएगी टीवी की, सबसे ज्यादा टीवी रेज की। बीटा एक्स है, जो बीटा डीके होता है उसमें क्या अपन जानते हैं, बीटा डीके से मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता, ना मास नंबर बदलता है ना जेड, तो इससे जो मास नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उससे बनता है समभारिक यानी आइसोबार बन जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे होता है फाई, फाई इज इक्वल टू कितना ई इंटू ए, और ई होता है फोर्स बाई चार्ज, एफ बाई क्यू इंटू ए, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, सेकंड इसका आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि एक छोटी बूंद की कैपेसिटेंस कितनी, 5 माइक्रोफेरेड है, तो ऐसी एक समान 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाए, तो उस स्थिति में जो बड़ी बूंद है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस अपन निकालते हैं सी बिग, ये होता है एन की पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल, तो एन कितना हमारे पास 1000, 10 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल है 5 माइक्रोफेरड, तो 1000 की पावर 1/3 कितना हो गया 10 इंटू 5 यानी कितना हुआ 50 माइक्रोफेरड इसी कैपेसिटेंस से आ जाएगी। अच्छा जी दी गए परिपथ में ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो 6 और 6 किस ऑर्डर में, समांतर, 6 और 6 कितना 3 और 3 और 3 6, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट। किसी बल्ब की अंक की शक्ति है 40 वाट और अंकित वोल्टता है 100 वाट, तब बल्ब के प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो बल्ब का प्रतिरोध हमें इसमें मालूम है कि पावर आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, और इससे अपन सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, पी हमारे पास है 100, तो 100 इंटू 100 अपॉन पी कितना है 40, 40 उड़ा दें इसको, ये हुआ कितना 25, तो ये 250 वाट आ गया, इसका रेजिस्टेंस 250 ओम, और किलो में बदलना हो तो इसमें 1000 से भाग दें तो 0.25 किलो ओम, इसका आंसर आपका सेकंड है वो हो जाएगा, किलो में इसको कन्वर्ट करना था तो अपन कर देंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अनंत लंबाई के तार में 7 एम्पीयर धारा फ्लो कर रही है और इससे 3.5 मीटर की लंब दूरी पर बिंदु पर चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो एक अनंत लंबाई के तार के कारण जो बी होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका मान कितना होता है, आपको मालूम है बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर या डी, जिसमें म्यू नोट अपॉन 2 पाई इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। आई हमारे पास है कितनी 7, अपॉन डी डिस्टेंस कितना है 3.5, ये काटो इससे कितना 2, तो 2 × 2 कितना 4, तो 4 × 10⁻⁷, ये इसका सेकंड आंसर
हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, दो संधारित्र हमारे पास, दो कैपेसिटर हैं, C1 है 3, C2 कितना 6, को समांतर जोड़ दिया। तो समांतर जोड़ेंगे तो समांतर में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आती है, समांतर में C1 प्लस C2 होता है तो 6 प्लस 3 कितना 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, स्कोरिंग प्रश्न था एक। अच्छा नेक्स्ट, 3 माइक्रोफेरेड का कोई कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों के बीच में हमने K√2 का माध्यम भर दिया, तो अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो आप जानते हैं माध्यम भरने के बाद में सी कितना होता है, K × C, K टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो 2 गुना हो गया किसका, 3 का, तो 3 × 2 कितना हुआ 6। इसका आंसर आपका थर्ड ये हो जाएगा। फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या होती है, तो अपन पढ़ते हैं लेंस का नियम, तो होता है क्या E = −d∅dt। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है, वोल्ट है, एक EMF है, तो मात्र क्या आएगा इसका, थर्ड वोल्ट आ जाएगा। CV2, आप जानते हैं किसी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाफ CV2 होती है, तो CV2 एक काइंड ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसका डायमेंशन कितना आएगा एनर्जी के तुल्य, m1L2T−2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। चुंबक के फ्लक्स फाइ दे रखा आपने को, तो 2 सेकंड पर EMF का मान कितना आएगा, 2 सेकंड पर EMF कितना होता है, तो आप जानते हैं लेंस के नियम के अनुसार जो इंड्यूस्ड EMF होता है E, वो होता है −d∅dt, तो माइनस। अब अपन इसका फाइ का करते हैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3t² का हो गया कितना 6t, प्लस 2t का हो गया 2, 3 का हो गया 0। हमको बोला गया t = 2 सेकंड, तो देखो माइनस का ये 2 × 6 कितना हुआ 12, प्लस 2 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो गया 14 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। यदि एक प्रकाश प्रभाव के प्रयोग में धातु सतह पर का कार्यफलन कितना 1.9 है, इस पर हमने 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश अपने किया आपतित, तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन दिया था, ये मोस्टली अपन क्या करते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी का पूछते हैं, तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, ई इनिशियल और माइनस कितना वर्क फंक्शन होता है। पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किसी मेटल सरफेस पर जो प्रकाश अपन डालते हैं, अगर उसकी एनर्जी कार्यफल से ज्यादा भी होती है, वर्क फंक्शन ज्यादा होती है, तो भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स निकले कोई जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है तो न्यूनतम ऊर्जा कितनी मान जाती है 0। तो इसका राइट आंसर आपका है 4th। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा त्रिज्या A0 है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो रेडियस क्या होती है, आर होती है समानुपाती n2, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो n कितना यहां पे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 टाइम्स यानी 9 A0 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th। हाइड्रोजन की फर्स्ट एनर्जी लेवल से थर्ड में जाएंगे तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, तो फर्स्ट की एनर्जी कितनी होती है 13.6, दूसरे की कितनी 3.4, थर्ड की होती है 1.51, तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्स्ट थर्ड का डिफरेंस है 12.09, अप्रोक्स 12.1 होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। डी त्रिज्या वाले वर्ती लूप में आई धारा फ्लो कर रही है, तो लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2R, तो μ0I/2R ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आर के स्थान पे डिस्टेंस डी है तो कोई दिक्कत नहीं, डी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छड़ चुंबक की अक्ष रेखा पर चुंबक के केंद्र से अक्ष दूरी पर बी का मान कितना है, चुंबक दे रखी है उसकी अक्ष डिस्टेंस पर, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल के अक्ष पे कितना होता है μ0 2m, जो है μ0 2m/4πr³ होता है, और नेक्स्ट भी कितना होता है इसका, हाफ होता है, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, थर्ड इसका आंसर आपका हो जाएगा। चुंबक की अयमत्व क्या है, तो जब किसी चुंबक को अपन पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ के अलोंग रख करके चुंबक की नती सुई जो होती है, नती सुई को अगर अपन जो कि वर्टिकल प्लेन में घूमने के स्वतंत्र होती है, तो सिंपल आप जानते होंगे ये कि चुंबक की अयमत्व एक वर्टिकल प्लेन है जिसमें चुंबक घूमने के स्वतंत्र होती है,
तो ये एक वर्टिकल प्लेन है आपका, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा पॉइंट फोर हेनरी की कुंडली कोई है, उसको 50 हर्ट्ज आवर्ती से जोड़ा गया है, तो उसकी प्रतिबाधा यानी इंपेडेंस कितनी है? तो एक ओनली एल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो हम जानते हैं एक्स एल बराबर, एक्स एल है 2 पाई एफ इंटू एल। तो देखो 2 इंटू पाई एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, और एल कितना है साहब 0.4। तो ये आप सोचो 50 इंटू 4 ये कितना हो गया 20, 20 इंटू 2 कितना 40, 40 पाई, तो 40 पाई, 40 पाई ओम ये इसका आंसर हो जाएगा। एक आदर्श प्रेरित्व में औसत शक्ति ह्रास कितना है? तो एक आदर्श जो प्रेरित्व होता है उसमें रेजिस्टेंस कितना 0 होता है, इसलिए उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होती है 0 होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? एनर्जी की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसे पूछा कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जो है उनकी विशिष्ट आवेश का अनुपात कितना है? तो विशिष्ट आवेश यानी स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाई मास रेशियो। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना 2e, मास कितना 4mp, और प्रोटॉन का कितना e/mp। तो e/mp कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2 इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, तो इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दे रखी अपने को काइनेटिक एनर्जी ई, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कितनी होगी? तो उसका मान कितना, सिंपल फॉर्मूला है h/√2me। नेक्स्ट, तापमान टी पर उसमें समय में न्यूट्रॉनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ, फिक्स फॉर्मूला है 30.8√t एंगस्ट्रॉम। गतिमान इलेक्ट्रॉन की संगत लैम्डा हमारे पास 10^-10 मीटर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी? तो इसकी चाल अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो, हमने अभी सीखा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/m(v), इससे अपन निकालते हैं v, तो v हमारे पास कितना है h/λ(m), और इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपका 7.25 × 10^6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। एक इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कोणीय संवेग आप जानते हैं nh/2π, बेसिक क्वेश्चन है। जब घन के सेंटर पे क्यू आवेश रखा है तो उससे कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? तो हम जानते हैं समेशन q/ε0, तो आवेश कितना है q, तो q/ε0 इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जी के परिपथ में 2 ओम की प्रतिरोध धारा कितनी फ्लो करेगी? 2 ओम कौन सा है, यहाँ है साहब। तो पहले इसका इक्विवेलेंट आर निकाल लो, तो कितना 4/4 कितना हुआ 2, 2/2 कितना हुआ 4, तो 8/4 2 एम्पियर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। परिपथ में 6 μF पे चार्ज कितना है, चार्ज आपसे पूछा है, तो आप देखिएगा 6 और 6 किस ऑर्डर में है, पैरेलल, 6 और 6 किस ऑर्डर में है साहब, पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 6 और 6 = 12। तो देखो इस तरह से आ गया, ये तो है अपने पास एक कैपेसिटी, एक कैपेसिटी आ गया, ये है 2 μF का और ये है 12 μF का, दोनों को जोड़ दिया हमने किसी सेल से। अब दोनों किस ऑर्डर में, सीरीज में, तो हम जानते हैं सीरीज में क्या होता है, q = cv होता है। अब q कांस्टेंट है, इसका मतलब v/1/c आ गया, v/1/c, तो इसका मतलब हुआ कि v1/v2 रेशियो ये हो गया c2/c1, तो c2 हमारे पास कितना, ये तो 12/2, तो ये हो गया 6:1, तो अब हमसे पूछा है कि इस पे कितना पोटेंशियल आएगा, और पोटेंशियल से चार्ज से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस पे कितना वोल्टेज आएगा, तो v2 हम लोग फाइंड करते हैं, तो 2/2 यानी इसका अनुपात, सॉरी 1/1 कितना अनुपात होंगे, 6+1 कितना 7 × टोटल वोल्टेज कितना था हमारे पास 14, तो ये हो गया आपका
2 वोल्ट। तो अब ये हुआ कि 2 वोल्ट अगर है तो 2 है तो इस पे कितना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट 2 और 6 इंटू 2 कितना हुआ 12, 12 माइक्रोकुलम इसका आंसर हो जाएगा। एल लंबाई के तार का रेजिस्टेंस आर है, उसको अपन खींच करके दोगुना कर दें तो आप जानते हैं इस केस में एन स्क्वायर इंटू आर होता है, एन कितना 2 तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4R इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th। चित्र में एक सरफेस दिखा रखी है और यह बोला है कि परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो इसमें अपन लगाते हैं सिंपल जो ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जो म्यू इक्वल टू होता है टेन आई पी और आई पी यहां पे है ध्रुवण कोण, वह आपतन कोण जिस पर या वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या हो जाती है प्योरली प्लेन पोलराइज्ड। तो इसमें देखो आपतन कोण कितना ही तो है इसका ग्लांसिंग एंगल है तो आपतन कोण तो 60 डिग्री का हो गया ना, तो 60 डिग्री हमारे पास आई पी है तो 1060 और 1060 कितना √3 इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अच्छा, 4 वर्ष के बाद कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी मूल मात्रा का 25% रह गया तो इसमें आपसे पूछा कि हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी। तो सामान्य प्रश्न है कि मान लो पहले इसकी परसेंटेज मात्रा है 100, 100 से कितना 50, 50 से कितना 25, क्योंकि हर हाफ लाइफ के बाद में अपने इनिशियल का 50% पार्ट लॉस हो जाता है। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, टोटल टाइम कितना हमारे पास 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स है वो 2 T½ के इक्वल है, इसका मतलब T½ कितना है 4/2 यानी 2 वर्ष, 2 ईयर्स इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। अब हम पहुंच गए इसके लास्ट क्वेश्चन में, बड़ा प्यारा प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा है कि इस नाभि की अभिक्रिया में अल्फा और बीटा पार्टिकल जो निकल रहे हैं उनकी संख्या कितनी आएगी। तो देखिएगा 238 में से 222 अगर कम करें तो हमारे पास जो डिफरेंस इसका बन रहा है वो कितना है 16 अपॉन 4, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल जो है उसके लिए 4 मास नंबर कम होता है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है तो वो तो आपका होता है डेल्टा ए अपॉन कितना 4, मास नंबर में कितना चेंज है तो है 16 अपॉन 4 यानी 4। अब 4 अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर है वो 8 कम हो जाएगा, तो देखो 92 माइनस 8, 92 में से अपन 8 को कम करेंगे तो ये हो गया आपका 84। अब 84 और है कितना 85, तो अब एक बीटा पार्टिकल और इमिट हो जाए तो बीटा माइनस के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, इसका मतलब एक बीटा माइनस भी यहां से इमिट होगा तो 1 बीटा माइनस, तो 4 अल्फा और 1 बीटा माइनस, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और इसी के साथ ये पेपर सॉल्यूशन अपन समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी।